तो आज होगा बेबी का जेंडर रिवील, बेबी का नामकरण एंड बेबी की छठी। सब एक साथ बोलो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी डिलीवरी को छटवा देना एंड घर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि संडे से सीजन से पूरा बारिश, रेनी मौसम है। वेदर ठंडा है बट कपड़े सुखाने में दिक्कत हो जा रही, बस और कुछ नहीं। एंड मेरी एंड यहाँ पर मेरा बेबी सो रहा है, छोटा बेबी बोलिए। तो आज तो फिलहाल बेबी का जेंडर रिवील नहीं होगा, क्योंकि आज है बेबी की छठी। हाँ, आप लोग बता सकते हो आपको क्या लगता है, क्या आया है मेरे घर में। एंड जो भी आया हम तो बहुत खुश हैं। तो वैसे कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि बेबी के थोड़ा रैशेस हो रहे हैं। तो मतलब वो क्या बोलते हैं, माथा टाइप, वो जो 6 दिन रहती है ना बच्चों के, ही बंगाली लोग का नियम है बोलो, तो वो थोड़ा लग रहा है। तो अभी मतलब खाली धोना, काचना, नाई बुलाना और बाल वाल कटवाना, जैसे उसके पापा के, इसके तो मैं नहीं कटवाऊंगी अभी। तो बस यही सब है। हितिका के स्कूल एंड मतलब नॉर्मल डिलीवरी होने से भी क्या होता है, स्टिचेस में इतना पेन हो रहा है ना रुक रुक के। मतलब अभी तक मैं बेबी को बैठ के फीड नहीं करवा रही हूँ डर के मारे कि मतलब स्टिचेस ना खुल जाए, कुछ वैसा बोले। लेट्स सी। सो ये देखो बाहर का वेदर, अभी 8 बज रहा है, पूरा ऐसे 6, आज पानी नहीं गिर रहा है। तो आज होगा बेबी का जेंडर रिवील, बेबी का नामकरण एंड बेबी की छठी। सब एक साथ बोलो। ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करके कुछ मज़ा नहीं है। तो एंड बेबी का फेस रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। फिलहाल तो जस्ट चाय बिस्किट खाई है एंड बहुत पेन हो रहा है स्टेजेस में। तो वो दवाई जो थी हॉस्पिटल से जो दिए थे वो ख़त्म हो गई, तो पतिदेव को वही पूछ रही थी कैसे क्या करना है करें, तो वो ला दिए एक्स्ट्रा दवाई, तो उसी को खाऊंगी। एंड अभी तक मैंने साखा वाखा कुछ नहीं पहना है, तो ये आज नहाए धो लेंगे बढ़िया से, बाल वाल धो के उसके बाद ही पहनते हैं वो। एंड हितिका स्कूल चली गई है, मैं क्या ही सूट करूँगी, हितिका रहती तो कर दी, तो पर भी देखते हैं जितना हो सके। तो यहाँ पर ये मॉस्किटो नेट हितिका के टाइम का है, अभी भी काम आ रहा है देखा। अरे बिस्तर का जो भी बिछाने बिछाने वाला था सब दे दिया धोने के लिए, सूख जाए बोल के। आज मेरा बेटा नाई नाई करेगा, ये तो खाली सोने में ही बिजी है। एंड मेरा उलिया पानी देखो, एंड बाहर का वेदर पूरा, बाहर का मौसम देखो, और पानी गिरेगा जैसे अंधेरा हो जा रहा है पूरा। पापा यहाँ पे मेरा छोना पाकी नीनी नीनी करने में बिजी है बस। एंड घर की हालत आज एज यूजुअल जो होनी चाहिए छठी वाले दिन, पूरा कबाड़ा कबाड़ा। हवा चल रहा है बाहर, बाहर इतना सारा कपड़ा धोए थे कि इतना ही कपड़ा था मम्मी। सो यहाँ पर आ गए थे नाई, नाई आए तो फिर मैं नाई को बोल रही हूँ कि थोड़ा मतलब मेरी बेबी को खाली छुआ देना, मैं काट लूँगी उसके नेल्स वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे नेल्स कटे, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी बेबी के हाथ में छुआ रहा, तो मैं बोला बस छुआ तो उसको डर, मैं खुद उसके नेल कट कर रही थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे बोले कुछ वैसे। फिर यहाँ पर मैं बोली मुंडन तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन ये बाल डर भी रहता है ना, बोलते हैं नहीं बोलो मतलब कुछ इधर उधर वाला। तो मैंने हल्का उनको छुआ लिया, मैं ऐसे काटना कि पता ना चले, क्योंकि अभी ये हितिका का बर्थडे आ रहा है, बीजा का बर्थडे आ रहा है, तो उसमें मेरा बेटा टकलू रहेगा तो अच्छा थोड़ी दिखेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं कटवाऊँगी कपड़े। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर माता जी लाल दक्षिणा देने की, तो मैंने अपने बच्चे के हाथ से छुआ दिया, मम्मी को बोला आप दे दो करके, एंड मेरी हालत फिर बत जाइएगा। तो जैसे कि आज छठी है तो हमारे इसमें नॉनवेज बनता है, वरना रोज मैं ये दाल और चावल ही खा रही हूँ। तो आज थोड़ा सा सब्जी मेरे को दिए हैं खाने के लिए,
के मारे खा भी नहीं रहे थे कि कहीं मतलब बेबी को दिक्कत ना हो करके, तो मम्मी बोली थोड़ा सा खा, मगर खा ज़रूर वरना नहीं खा पाएगी आगे फिर, मतलब कुछ वैसे नियम है बोले। सो गाइस वेलकम बैक टू द बाबी के फोन कैसे पकड़ा जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो छोटी क्यूटी पाई है उसका नाम लिखेंगे, चार पांच देखते हैं, चार पांच होता है कि छह सात होता है, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे नामकरण सेरेमनी हमारे इसमें जैसे करते हैं थोड़ा फन टाइप में बोलो। एंड अभी उसका हो रहा है छठी संस्कार बोल सकते हो आप लोग, तो मतलब वो सो जाएगी, फिर उसके सर के पास पानी चावल एक जलता हुआ दिया और क्या कॉपी पेन, तो उसमें मतलब भगवान आके भाग्य लिख के जाती है हमारा रिचुअल है बोलो। एंड ये सच भी होता है क्योंकि जब वो हम प्लेन कॉपी पूरा रखते हैं न्यू का न्यू एंड उसमें जाके देखते हैं पेन चला हुआ रहता है, भले इतना सा क्यों ना चले बट चला रहता है वैसे, तो देखते हैं। अभी फिलहाल तो मेरी बेटी 4:30 बजे से उधर है, अभी 6:30 हो गया है, उसका नींद ही नहीं खुल रहा है। पेन का ढक्कन खोल कर देखती हूं। तो ये देख मेरा बेटा का भाग्य लिखना हो गया ना। सो यहाँ पर जो शाम हो गई, फिर शाम होगी तो हमने चलो चलो जो हमने 6 नाम सेलेक्ट करे हैं उसका मतलब देखा जाए कि भगवान कौन सा नाम हमको सजेस्ट करते हैं बोले, तो 6 नाम की पर्ची बना के उसके ऊपर दिया जलते रख दिए हैं। अब जो दिया लास्ट तक जलेगा, लास्ट 2 दिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो लास्ट तक जलेगा उसमें मतलब हम बेबी का नाम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बेबी को भी चला दिया, थोड़ा चलाने वाला भगवान जी इसको भी आशीर्वाद दे देंगे बच्चे को। तो मेरी यहाँ पर छुटकी सो रही है। सो छोटी वाली गुड़िया हिथिका ने उसके पापा पूजा रूम में, मैं यहाँ लेटी हूँ क्योंकि मुझे स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं पेन कब जाएगा, देखते हैं बेबी का क्या नाम सिलेक्ट होता है। ना जी ना, हमारे यहाँ बेबी गर्ल आई है, देखो रो रही है। से यहाँ पर जो 6 दिए जलाए थे उनमें से लास्ट 2 ही दिए बचे, एंड ये दोनों का ही नाम सेलेक्ट किया, जो नीचे वाला नाम था उसको निक नेम बना के घर में रखा है, और जो ऊपर वाला था वो मतलब ऑफिशियली नाम रहेगा कहीं आने स्कूल में बस। आटा लाटा मत देना, बोलो बाहर का भी तो जब नाम आया तो ठीक फोन भी आ गया, तो नहीं अनाउंस कर पाया नाम, बताओ अभी क्या नाम आया। भूवी और भार्गवी। ये भार्गवी लास्ट तक जला है, भूवी तो सेकंड था, तो भूवी हुआ रियल नेम निक नेम हुआ भार्गव। ये लड़की कुछ भी बोलती है एकदम कंफ्यूज हो गई। अब देखते अच्छा नानी को बोलो बोलेंगी भार्गवी भार्गवी पार कभी बोल तो लिए हो गया फिर। लीजा इधर आ जल्दी इधर आ। ओ मोबाइल लेके